हमारे बेटे ने साइंस ले साइंस, उसके बाद उसके दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है, उसका फर्क नहीं पड़ता हमको। गाड़ी से उतने गाना चलेगा टन 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 टन। सबसे पहला गिव अ करियर एप्टीट्यूड टेस्ट। गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट स्ट्रीम टेकन कॉमर्स। हे गाइस, वेलकम टू द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आज के जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल और कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है हमारे प्यारे बच्चों के लिए, है ना, कि यार क्लास टेंथ के बाद हम लोग कौन सी स्ट्रीम ले, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं क्या लूं भैया, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, क्या लूं, या कुछ भी ना लूं? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं ले सकते, लेना तो पड़ेगा, तो साइंस है तो कॉमर्स है तो आर्ट्स। तो कैसे लेना है, क्या करना है, क्या क्या चीजों को इग्नोर करना है, सब चीजों के बारे में आज डिटेल में जानेंगे, ठीक है। पर उसको स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इज सक्सेस डिपेंडेंट ऑन स्ट्रीम? पहली बात, सक्सेस रिलेटिव हो सकती है, किसी के लिए सक्सेस फेम हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस पैसा हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस स्पिरिचुअल टर्म्स में हो सकती है, वेरिएबल है। बट क्या आपको लगता है, अगर मॉनेटरी टर्म्स पे बात करूं तो सक्सेस जो है वो डिपेंडेंट है स्ट्रीम पे? इसका सरल आंसर आपको पता है क्या है? इसका सरल सा आंसर है नहीं, कि सक्सेस कभी भी स्ट्रीम पे डिपेंडेंट नहीं। और मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो अगर आपके लिए सक्सेस है पैसा, अरे बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, यह आपके लिए हो सकता है सक्सेस, एंड यू रिलेटेड विद स्ट्रीम और डिग्री, तो आपको क्या चेक करना है, क्या चेक करना है बताऊं मैं आपको? आपको चेक करना है ये चीज, ध्यान से देखते जाइएगा, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं और आपको इस चीज को देखना है। गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट स्ट्रीम टेकन कॉमर्स, इंडिया के अभी सबसे रिचेस्ट पर्सन है। दूसरा, मुकेश अंबानी बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री ले रखी है स्ट्रीम टेकन साइंस। तीसरा, राधाकिशन दमानी कॉलेज ड्रॉप आउट है स्ट्रीम टेकन कॉमर्स, डीमार्ट के नाम से आपने देखा होगा, बहुत फेमस। उसके बाद विजय शेखर शर्मा पेटीएम बैचलर्स डिग्री है स्ट्रीम टेकन साइंस। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे, है ना, क्या स्ट्रीम डिपेंडेंट है? क्या पैसा अगर आपके लिए सक्सेस है तो क्या वो स्ट्रीम डिपेंडेंट था? कभी नहीं था। कुछ लोगों के लिए सक्सेस हमेशा रिलेटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फेम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बच्चों का प्यार हो सकता है सक्सेस, है ना, तो उसका ना तो स्ट्रीम से कोई रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट तुम अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि उसका स्ट्रीम से कोई रिश्ता नाता नहीं है, है ना। कि अगर आपके दिमाग में है कि मैं साइंस लूंगा तो बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, कॉमर्स लूंगा तो नहीं बन पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये तुम्हारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है। नौकरी करने वाले, है ना, अगर इतने तुम्हारे हिसाब से अगर सक्सेस पैसा है तो नौकरी करने वाले तो कभी अमीर बन ही नहीं सकते, या तेज तो कभी वो रिचेस्ट लिस्ट में आ ही नहीं सकते, और मेजरली नौकरी करने वाले इन्हीं स्ट्रीम से होंगे, है ना। तो इनको लिंक मत करो यार, इनको लिंक मत करना, ठीक है भैया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता। आप कोई भी वीडियो उठा लेना, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहां पर इन चीजों के बारे में बात की हो। आपको किन चीजों को ना बोलना है, ना बोलना सीखिए, ना, आपको इन चीजों को ना बोलना है, इन फैक्टर्स को ना बोलना है स्ट्रीम को सेलेक्ट करने से पहले। सुनील भैया, क्या है वो ना बोलने वाली चीजें, क्या है वो ना बोलने वाली चीजें जिन्हें हमें ना बोलना है, देखते ना बोलना है? सबसे पहला, मनी और फेम इन अ करियर। अगर आपको लगता है ओ ये बहुत सारा रोकड़ा होगा, पीछा 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 इसको देख के ले लूं, डूब जाओगे। मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे इंजीनियरिंग में, आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने कंप्यूटर साइंस ले ले क्योंकि बहुत ज्यादा बूम पे है, बोले यार लाखों के पैकेज लग जाते हैं गूगल में, 1 करोड़ का पैकेज, 1.5 करोड़ का पैकेज अमेजन में लग जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट में लग जाएगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। आखिरी में मास रिक्रूटर में, मास रिक्रूटर सबका मसीहा, 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख में निकले। क्यों? क्योंकि आप इसके पीछे भाग रहे थे यार, आपने इसको देख के करियर चुन लिया। कभी भी पैसा या फेम देख के करियर नहीं चुनना भैया, स्ट्रीम को चुनना है, सेलेक्टिव होना है। क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं आपको बताऊंगा,
लेकिन आपको ये चीज बहुत नोट करनी है, पीछे को देख के पैसा, इसको देख के कुछ नहीं करना। मोह माया में अगर पड़ गए तो हो गया काम, फिर तो खत्म। तो मनी और फेम इसको देख के करियर मत चुना कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे। दूसरा, पेरेंटल या सोसाइटल प्रेशर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपके माता जी पिताजी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जरूर से मेरी बात को कन्वे कीजिएगा कि ये प्रेशर आप अपने बच्चे को ना दें, ना तो ये प्रेशर आप दें। आपको ना तो ये प्रेशर लेना है ना ये प्रेशर लेना है। कभी कभी क्या होता है, पिताजी के वो भैया जी अपन डॉक्टर, बेटा बनेगा डॉक्टर। माता जी के अपन इंजीनियर, बेटा बनेगा इंजीनियर। या माता पिता कहते हैं अरे मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया, तू बनेगा। अरे क्यों बनेगा, उसका सपना क्या, उससे तो पूछो। क्यों, मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया तो अब मेरा बेटा डॉक्टर बन के सुइयां लगाएगा। ये कैसा लॉजिक है। या ऐसा होता है ना, अरे शर्मा जी के लड़के ने कॉमर्स ली, तुमको साइंस लेना पड़ेगा, तो हम शर्म एकदम वैसे कहेंगे, चांद से कहेंगे, हमारे बेटे ने साइंस ली, साइंस। उसके बाद उसके दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है, उसका फर्क नहीं पड़ता हमको, साइंस ली है, कोटा चक तैयारी कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्या, लोगों को दिखाना पड़ रहा है। अरे ये इंपॉर्टेंट है क्या कि हमारा बेटा कोटा से तैयारी कर रहा है या दिल्ली से तैयारी कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट कभी नहीं है। दुनिया को दिखाने से क्या होगा भाई, हमारा बच्चा है ना, उसे वो करने दीजिए जो उससे पसंद हो, है ना। सोसाइटी के प्रेशर में मत आ जाना तुम लोग। सोसाइटी हो तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज था फिर तुमने कॉमर्स ले ली, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। दिमाग तेज वाले क्या कॉमर्स नहीं ले सकते, ये दिमाग तेज वाले आर्ट्स नहीं ले सकते, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही मिसकंसेप्शन है। स्कूल में अबव 90% मार्क्स आएंगे तो साइंस मिलेगी, इससे नीचे कॉमर्स मिलेगी। अरे भैया, इससे दिमाग को आपने कैसे नाप तोल लिया। मार्क्स तो सिर्फ एक वैलिडेशन है कि हो सकता है कि इंसान समझदार हो, लेकिन गारंटी नहीं है। रट्टू पोपट हो, रट के नंबर ले आया हो तो समझदार थोड़ी हुआ, इंटेलिजेंट थोड़ी हुआ, रट्टू पोपट हुआ। इस चीज पे कभी मत आइएगा। मैं माता जी पिताजी से भी बहुत ज्यादा आग्रह करता हूं, भैया जी आप प्रेशर मत देना, है ना। मैं समझता हूं मिडिल क्लास फैमिली में हर कोई ये सोचता है कि एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है। अग्री, पर उस रास्ते पे भी क्यों चलना है जिस रास्ते में आगे चल के वो गुस्सा है, वो प्रेशर फील करे, डिसअपॉइंटेड फील करे, आगे चल के आपको कोसे, ऐसे पाथ पे क्यों चलाना है अपने बच्चे को। नहीं, कि सोसाइटी क्या सोचती है। कभी कभी मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त था अनुरोध नाम था, है ना, तो भाई को साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमको तो इंटरेस्ट था, हमने साइंस ले ली। अब पांच लोगों का ग्रुप था, चार लोगों ने साइंस ले ली, वो कह रहा हूं भैया अकेला कॉमर्स में कैसे बैठूंगा यार, जो साइंस में आ गया। अब वो जिंदगी भर भुगतता रहा, फिर पिताजी के गले में बैठ गया वो, समझ रहे हो बात, कोई लॉजिक नहीं बनता ऐसा। तीसरी बात, डिफरेंस बिटवीन स्कोरिंग एंड इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। अब देखो, पहले तो तुम क्या करते हो, दसवीं जो है ना वो सपने दिखाती है, ग्यारहवीं बारहवीं रियलिटी में औकात दिखाती है। दसवीं की जितनी किताब है ना, 16 चैप्टर साइंस के, इतना तो तुम्हारे रे ऑप्टिक्स के चैप्टर आ जाएगा फिजिक्स में, इतना तो तुम्हारा पूरा चैप्टर ही है रे ऑप्टिक्स। रे और वेव ऑप्टिक्स तुम निपटा दोगे ना, 9वां और 10वां चैप्टर क्लास 12वीं फिजिक्स का, उतने में तुम्हारी पूरी साइंस की किताब खत्म, समझ रहे हो। तो ये तो कभी मत बोलना कि मैंने इतने नंबर स्कोर किए तो इसीलिए मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तुमने इसलिए नंबर स्कोर किए क्योंकि पेपर और जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो बहुत कम है, तुमने रट लिया था इसीलिए तुम्हारे नंबर आ गए। ईमानदारी से बैठ के सोचना, क्या तुम उस कंसेप्ट को फील कर पा रहे थे, तुम्हारे दिमाग में आज भी उस कंसेप्ट की क्लियर पिक्चर है, तो ही तुम्हें इंटरेस्ट था भाई उस समय। सिर्फ डेफिनेशन लिखने से इंटरेस्ट नहीं आता सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसको इससे मत लिंक कर देना, है ना, इसको इससे मत लिंक करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, मुझे गणित इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में जब मैं देने गया तो गणित में मेरा एक भी सवाल गलत नहीं हुआ, तो इसका यह मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में। अरे नहीं है भैया, किताबें बहुत सारी पढ़ ली थी, माताजी ने करा दी कि ये भी किताब करनी, ये भी किताब करनी, ये भी किताब करनी, ये भी किताब करनी, ये भी करनी, ये भी करनी, प्रीवियस ईयर के सवाल कर लिए, हो गया। स्कोर बहुत बढ़िया था, इंटरेस्ट था क्या, नहीं था, गणित में इंटरेस्ट नहीं था, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, कर लेता हूं पर इंटरेस्ट नहीं है। अगली चीज, डिमिनिशन ऑफ योर करियर। अरे भैया, लाल बत्ती नीली बत्ती मिलेगी, लोग पीछे पीछे घूमेंगे। आईएएस बन जाता हूं, आर्ट्स ले लेता हूं, मेरे साथ था, क्या बनना है, बीच में सोचा आईएएस बन जाएंगे, क्यों, गाड़ी से उतने गाना चलेगा, टन 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 टन, जीवन खत्म हो जाता है भैया इन सब चीजों से। पर समझ गए, अपन ने तो कभी उस पर एफर्ट ही नहीं मारा। आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ड्रीमी नोशन कभी कभी हमें क्या करता है, फोर्स करता है कि हमें यह कर लेना चाहिए, बहुत पावर, बहुत पैसा है, ये नहीं करना। कोई नहीं समझाएगा, जब बड़ा भाई समझा रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे पता है ये उम्र है जिसमें इंसान सपने देखता है,
कोई एक रील देख ली, कोई एक शॉर्ट्स देख ली, उसका एक मोटिवेशनल गाना देख लिया, बोले अब तो यही करना है। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो क्या चीजों को ना बोलना है, अब आपके दिमाग में एक पिक्चर है। उसके बाद इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई, इतना समझ में आया। क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं इन सारी बातों से कि हाँ यार भैया आप जो बोल रहे हो वो सच तो है, हम रिलेट कर पा रहे हैं उन सारी चीजों से। लेकिन अब करना क्या है वो भी तो बताओ, इतना ज्ञान दे दिया लेकिन करना क्या है वो नहीं बताया, ठीक है? अब देखो करना क्या है उसको जानने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। भाई करना क्या है कैसे वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अवेलेबल स्ट्रीम्स के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से पहले वो जान लेते हैं। तो कौन कौन सी अवेलेबल स्ट्रीम है भारत में, तीन कॉमन स्ट्रीम चलती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ये कहीं नहीं है कि अगर तुमने ये लिया तो इसकी और इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। एक एग्जांपल देते, बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो भैया जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं बहुत ज्यादा समझदार टॉपर वोपर लोग है, क्या वो साइंस लेते हैं, साइंस लेने के बाद बनते हैं इंजीनियर, बहुत बढ़िया। फिर आ कॉमर्स वाले, है ना, कॉमर्स वाले क्या थोड़ी कम बुद्धि वाले, एग्जाम्पल दे रहा, ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े कम बुद्धि वाले। कोई कॉमर्स वाले थोड़े कम बुद्धि वाले कर लिया एमबीए, इंजीनियर के ऊपर एमबीए बैठता है। पर ऐसा है कि साइंस वाले भी आजकल एमबीए कर लेते हैं, साइंस वाले आपको सब जगह मिलेंगे इंजीनियर। तो भैया ये बुद्धिमान इंजीनियर इसके ऊपर कॉमर्स वाला, थोड़ा कम बुद्धि वाला एमबीए करके ऊपर आ गया, और थोड़ा कम बुद्धि वाला बोले आर्ट्स ले लिया, बोले आर्ट्स ले लिया तो फिर आईएएस बन गया, आईएएस बन गया तो इनके ऊपर, तो इंजीनियर के ऊपर एमबीए, एमबीए के ऊपर, एमबीए के ऊपर कौन आ गया, आईएएस ऑफिसर, जो बिल्कुल ही अखंड फेल, दसवीं फेल हो गए, नेता, नेता इनके ऊपर, इनके ऊपर नेताजी आ गए। तो ज्यादा इंटेलिजेंस का क्या मतलब रहा, है ना? तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीन मेजर स्ट्रीम्स है दोस्तों आपके पास अवेलेबल है भारत में, कॉमनली अवेलेबल स्ट्रीम्स, ठीक है? अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है आपके साइंस के अंदर, आइए इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मेडिकल में जाना है भैया, डॉक्टर वॉक्टर एमबीबीएस वगैरह, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिलेंगे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश। ये चार सब्जेक्ट्स आपके मैंडेटरी होते हैं, यानी इनको हम कोर सब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोर सब्जेक्ट्स, एक दो तीन चार, पीडब्ल्यू की जय जयकार, ये चारों चारों क्या है बेटा, कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो होंगे ही होंगे, मैंडेटरी कंपल्सरी सब्जेक्ट। ऑप्शनल होता है या जिसे हम इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं, ये कौन सा हो सकता है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, है ना, आईपी जिसको बोलते हैं, है ना, या कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, या साइकोलॉजी हो सकता है, फाइन आर्ट्स हो सकता है, ये सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, है ना, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। फिर मान लीजिए आपका मन किया इंजीनियर बनेंगे, थ्री इडियट्स वाले, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सोल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, चार ये ऑप्शनल होता है। मेजरली ऑप्शनल में लोग फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, जैसे मेरे समय में मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नेता मत बन जाना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारा स्कोर संभालना है, बढ़िया करना है, बोर्ड्स में परसेंटेज को अच्छा दिखाना है, तो ये आसान सब्जेक्ट लेना, वहाँ पे ऐसे नेता मत बन जाना, ऐसा सब्जेक्ट लूंगा कि लोग देख के डरेंगे कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी नहीं है, जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें दुख होगा। आसान सब्जेक्ट लेना, स्कोर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट, ठीक है, अभी इस पे ज्यादा एम्फेसिस मत देना कि मेरी तो स्किल इंप्रूव हो जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, आसान सब्जेक्ट, ठीक है ना। कंप्यूटर्स भी होता है इसके अंदर, आईपी हो गया, फिर आपका फाइन आर्ट्स हो गया, है ना, फिर आपका साइकोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आते हैं। जनरल साइंस, अभी तक अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपको बेसिकली इंजीनियरिंग में जाना है या आपको मेडिकल में जाना है, यानी आपको जेई देना है या बेसिकली आपको नीट देना है, तो आप सेफर साइड पे खेलने के लिए जनरल साइंस ले सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी और बायो पढ़नी पड़ेगी, और फिर आपके पास इंग्लिश आ जाएगा, इसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास नहीं होता। कुछ लोग लेते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत लोग लेते हैं, है ना, बहुत लोग लेते हैं। मेरा भी एक दोस्त था, तो उसके घर में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, भाई बहन चाह रही थी कि भाई तू डॉक्टर बन, और पिताजी का जो फोर्स था कि नहीं भैया इंजीनियर बन, तो भाई चाणक्य नाम था उनका, और उनके जीवन में कूटनीति चल रही थी, तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो सब ले लिया उन्होंने, बोले बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है, पहले ले तो सभी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे एनालाइज करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा, ठीक है भाई, हाँ जी भैया।
अच्छा सब्जेक्ट्स अवेलेबल इन कॉमर्स, बेटा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया आपके पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, एंड देन आपके पास एक ऑप्शनल आ जाता है सब्जेक्ट, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में भी ऐसे ही होगा, आपके पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स यानी जिनको हम बोलते हैं कोर सब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम लोग, क्या बोलते हैं, ये जो चारों के चारों सब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कोर सब्जेक्ट्स। और ये क्या होता है, ये होता है इलेक्टिव यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको आप खुद चुन सकते हैं, है ना। अब इसमें कुछ अवेलेबल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो आईपी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, फाइन आर्ट्स हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हैं। कॉमर्स के अंदर भी आपने देखा होगा, कॉमर्स में अगर आप यहां पर देखिए, जैसे यहां पे मैथ्स अगर आप नहीं लेते तो कुछ दोस्तों ने मेरे क्या कर दिया था, ऑप्शनल उनके पास मैथमेटिक्स था वो भी ले लिया था, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बट फिर कह रहा हूं अपने लोड को कम करने की कोशिश करना, किसी के सामने हमें नेता नहीं बनना, ठीक है। हाँ जी भैया, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक क्या बोलती रिपब्लिक, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अवेलेबल सब्जेक्ट्स जो हमारी स्ट्रीम्स के अंदर है, पहले स्ट्रीम्स कौन सी अवेलेबल है, सब्जेक्ट्स कौन से अवेलेबल है, क्या नहीं कंसीडर करना स्ट्रीम लेने से पहले, वो क्लियर है। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांति से इसको देखो, थोड़ा पानी पी लेना, आगे चल रहे हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, टिप्स बिफोर सिलेक्टिंग अ स्ट्रीम। सुनील भैया हमें क्या टिप्स कंसीडर करनी चाहिए, या आप ऐसे बड़ा भाई हमें क्या टिप्स देंगे कि यार ये कर लोगे तो तुम्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करने में आसानी पड़ेगी, कि भाई ये चार पांच पॉइंट अगर तुमने फॉलो कर लिए तो एक स्ट्रीम क्या सेलेक्ट करनी है वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। क्या टिप है, जो टिप्स दूंगा बहुत ही यूनिक है। सबसे पहला, गिव अ करियर एप्टीट्यूड टेस्ट। एक करियर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बहुत सारी जगह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ये उस टेस्ट में क्या होता है, उस टेस्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको ये करने में मजा आता है, हाँ, जैसे कि इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ये एक्टिविटी करने में मजा आता है, ये एक्टिविटी करने में मजा आता है, ये एक्टिविटी करने में मजा आता है, ऐसे कुछ सवाल होते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। उसको जब आप देते हैं तो ये क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसके अंदर लिंक्ड होते हैं, जिस बेसिस पे वो बताते हैं कि यार इस बंदे के लिए जो है साइंस स्ट्रीम सही है, या इसके लिए कॉमर्स स्ट्रीम सही है, इसके लिए आर्ट स्ट्रीम सही है। तो कुछ एक्टिविटीज के बेसिस पे वो देते हैं, जैसे एक सैंपल आपको देखो, कुछ इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे कि हाउ डू यू फील अबाउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है, इंस्टॉल कैमराज फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटीज इन बिल्डिंग्स, ड्राइव अ ट्रक टू डिलीवर पार्सल्स टू ऑफिसेज एंड होम्स, ठीक है, रिसर्च अ न्यू मेडिसिन टू ट्रीट हेडेक्स, स्टडी वेज टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, ड्रॉ कार्टून्स फॉर अ न्यूज़पेपर, क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स फॉर मूवीज, टीच पीपल हाउ टू एक्सरसाइज, हेल्प पीपल इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स ओपिनियन, काउंसलिंग, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, आई वुड लव टू डू दिस, यानी वेरी इंटरेस्टेड। तो कुछ इस तरीके की चीजें यहां पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिर कुछ यहां पर और एक्टिविटीज दे रही, कुछ इस तरीके से करियर टेस्ट आपका होता है, है ना। अब इसके पीछे क्या है कि जो ये एक्टिविटीज है ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से या एक पर्टिकुलर करियर से लिंक्ड होती हैं। आपको जो चीज करने में मजा आता है ये आपको उस पर्टिकुलर पाथ पे सजेस्ट कर देगी, यार तुमको इस स्ट्रीम में बहुत मजा आ रहा है, तुमको इसी स्ट्रीम में जाना चाहिए, तुम इसके लिए एकदम सही हो। तो क्या ये एकदम फुल तरीके से एकदम मेन पैरामीटर है, नहीं, मैं आपको और टिप्स भी दूंगा। पर क्या आपको ये यूनिक टिप लगी, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट को जरूर से आप दीजिए, ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक क्लियर पिक्चर लेने में मदद करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी टिप क्या है, डू एन ऑनलाइन थॉरो रिसर्च ऑफ द सिलेबस। जिस भी स्ट्रीम में आपको जाना है, देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, क्लास 10वीं की जो आपके रिजल्ट्स हैं, है ना, वो सपने दिखाते हैं, 11वीं 12वीं आपको रियल औकात दिखा देती है। मुझे इस शब्द को यूज नहीं करना चाहिए बट ये सत्य है बेटा, है ना, क्योंकि आप उस सिलेबस को देख के इस वाले सिलेबस को जज कर रहे होते, तो बेवकूफी हो गई ना, है ना। आलू को देख के मैं भालू को जज करूं तो मैं बेवकूफ हुआ, है ना बेटा। तो आप ये जरूर करें, भैया देखो तुम्हारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट का बूम है ना, अभी ये एक तरीके से ऐसे रिवॉल्यूशन चल रहा है, टेक रिवॉल्यूशन है भाई, तुम्हारे पास नेट अवेलेबल है, खुद से रिसर्च करो, इंस्टाग्राम की रील्स छोड़ो, यूट्यूब की शॉर्ट्स छोड़ो, अभी ये डिटेल्ड थोरो रिसर्च करो सिलेबस की। तुम्हें लगता है तो वीडियोस देखो, क्या पता तुम शायद ये वीडियो देखने आए थे, है ना, अभी तुम रिसर्च ही कर रहे थे तो तुम्हें मेरा वीडियो देखने के लिए मिल गया, और मैं तुम्हारे सामने हूं तो मैं बोलता हूं
हाय भाई, यही पॉइंट बता रहा था और तुमने मुझे ढूंढ लिया और मैं तुम्हें मिल गया। ठीक है, और ऐसा अगर हो जाता है तो मजा आता है। तो एक बार है ना, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ अच्छा पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, तो आए भैया के साथ साथ अपना प्यार बरसाना और लव लगा देना, आए भैया प्यार। ठीक है, तो ऑनलाइन रिसर्च करो सिलेबस के बारे में, सिलेबस को खंगालो भाई कि तुम पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वैसे मैंने बायो का सिलेबस देखा था, मेरे को समझ में आया कि देखो भैया, अपन पहले बचपन में लगता था भैया क्या बनोगे, क्या भैया डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डॉक्टर बनोगे और लोगों को सुई लगाएंगे, क्योंकि लोग सुई लगाने से डरते हैं, सुई लगवाने से डरते हैं, वो सुई सुई सुई। मैंने कहा अपन डॉक्टर बनेंगे, सुइयां लगा देंगे, मजा आएगा। पर भैया सिलेबस नहीं देखा था ना, ये सिलेबस देखा, ओके सॉरी सॉरी गलती हो गई, अब नहीं आऊंगा, ओ बायो मैं नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो डू एन ऑनलाइन थोरो रिसर्च ऑफ द सिलेबस, नेट अवेलेबल है भाई, अच्छे से रिसर्च करो और तुम खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हो, ना तो मैं ना तुम्हारे शायद माँ बाप भी, कोई नहीं जान सकता तुम्हें, या तो भगवान जानते हो, तुम खुद को खुद जानते हो, खुद के डिसीजंस खुद लो। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कह रहा माता पिता को बोलो हाँ हाँ आपके डिसीजन जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगा। तीसरा पॉइंट, डू अटेंड द डेमो या फिर ट्रायल क्लासेस। अब मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में होता है कि नहीं होता है, जब मैं 11th में आया था तो मेरे स्कूल में डेमो या ट्रायल क्लास चलती थी। ठीक है, तो ऐसा क्या गया था कि 2 दिन आप साइंस अटेंड कर सकते हैं, 2 दिन कॉमर्स और 2 दिन आर्ट्स। तो मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियर पिक्चर था मुझे साइंस लेना है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट मैं कभी किसी ट्रायल क्लास में डेमो क्लास में नहीं बैठा। ठीक है, हाँ मैं बायो के डेमो क्लास में बैठा था, मेरे को पता चल गया कि भाई अपने लिए नहीं बनावा, अपन चले गए वहां से। और वहां पर हमारे स्कूल में था कि आप सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट को पढ़ाएंगे, इजी कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, ओ भैया समझ में आ रहा है। तो सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट को आपको डेमो या ट्रायल क्लास में पढ़ाना होता है, ताकि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन हमारे स्कूल में साइंस का चलता था डेमो, 2 दिन कॉमर्स का और 2 दिन फिर बेसिकली आर्ट्स का चलता था। तो अपन ने सिर्फ बायो का अटेंड किया, उसके बाद समझ में आ गया कि अपन को पीसीएम लेना है, इंजीनियरिंग में जाना है, बहुत ही सॉर्टेड है। बहुत सारे मेरे दोस्त थे उनको थोड़ा क्लियर नहीं था, तो उन्होंने किया, जिनको क्लियर था उन्होंने सीधे सीधे साइंस ले लिया। ठीक है, कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं था, पता था कि हाँ ये करना है। ऐसे ही आप एनालाइज कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डेमो या ट्रायल क्लास जरूर से अटेंड कीजिए। उसके अंदर आप बोलिए आप मुझे सबसे टफ कंसेप्ट समझाओ, अगर वो आपको धीरे से समझ में आ रहा है, यानी उस कंसेप्ट को कोई प्री रिक्वेजिट नहीं है, तो आप प्लीज वो कंसेप्ट मुझे समझाइए, मुझे कितना समझ में आता है मैं वो देखना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्कस विद पेरेंट्स एंड सीनियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके माता पिता कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं इस संसार में, इस संसार में आपके माता पिता से ज्यादा बेहतरीन आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, है ना। माता तो स्वयं कहते हैं कि परमात्मा को जब धरती पे खुद को दिखाना था उन्होंने मां का रूप लिया, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि उनके डिसीजन कभी गलत हो जाए आपके लिए, लेकिन नियत कभी गलत नहीं होगी। तो उनसे जरूर से डिस्कस करें, उनको बिठाएं, उनसे बात करें कि पिताजी आप क्या चाहते हैं, माता जी आप क्या सोचते हैं, जब आपने पढ़ाई करी तो आपके समय में क्या हुआ था। ऐसा हो सकता है कि शायद आपके माता पिता इतने पढ़े लिखे ना हो, तो आपके कोई सीनियर जिनसे आप बात कर सके उनसे बात कीजिए, या आपके कोई बड़े रिलेटिव है उनसे आपको लगता है कि यार ये इंसान थोड़ा पढ़ा लिखा है, उससे बिल्कुल जाके चर्चा करें कि इस आपने इस फील्ड में जब ये किया तो आपको कैसा लगा, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके प्रॉज है, क्या कौन से, ये जरूर से चर्चा करें। हाँ, पर मैंने फिर बोला है एडवाइस सही इंसान से लेना, गलत इंसान से एडवाइस लोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने एडवाइस किया था कि मैकेनिकल हमेशा एवरग्रीन ब्रांच है, सब में रिसेशन आएगा, मैकेनिकल में नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर उस समय के बाद जॉब्स में ऐसे धीरे 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 कमी आ रही है मैकेनिकल में, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ रहा है ना। तो सही आदमी से थोड़ा सा एडवाइस या गाइडेंस जरूर से लेना। ठीक है, अब वो सही इंसान तुम्हें ढूंढना है, जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान थे, दुर्योधन के लिए शकुनी थे, पर तुम्हें ढूंढना है तुम्हारे जीवन का कृष्ण कौन है, तुम्हारे जीवन का सारथी कौन है। तो माताजी पिताजी स्वयं परमात्मा के समान है, उनसे डिस्कशन करिए करिए करिए, उनको बिठाइए, उनको बोलिए कि मुझसे बात करो, मेरे साथ इस चीज पे डिस्कस करो, और वो करेंगे। मुझे पता है आपके माता पिता ही सबसे अच्छा सोचते हैं आपके लिए, वो डेफिनेटली आपसे डिस्कस करेंगे। माता पिता अगर उतनी उस चीज पे डिस्कस करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो शायद ना हो, उन्होंने इतना पढ़ा लिखा नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, हैं अपने लाइफ में, लेकिन शायद पढ़ाई लिखाई ना का उसमें आपको गाइड ना कर पाए, तो आप अपने किसी सीनियर से बात करें, वो भी नहीं है तो आप किसी रिश्तेदार से बात करें, कोई तो होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन उस चीज की काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी की सारी जो टिप्स मैंने अभी दी हैं, ये सारी की सारी टिप्स आपको यहां पे समझ में आई है ना। तो आपको ये सारी टिप्स को फॉलो करना है,
किन फैक्टर्स को ना बोलना है आपको समझ में आ गया। तो एक बार रिकैप कर ले, सबसे पहला सक्सेस स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है। अगर सक्सेस पैसे से आप तोल रहे हो तो पैसा कभी भी स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है। फिर हमने बात करी कि आपको किन चीजों को ना बोलना है, फिर हमने बात करी कि अवेलेबल स्ट्रीम्स के साथ सब्जेक्ट कौन से अवेलेबल है, एंड उसके बाद कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को करिए, डेफिनेटली विश्वास करिए ये आपको बहुत मदद करेंगी। बट एट द एंड आप सबसे बेहतरीन तरीके से खुद को जानते हैं, भले या मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, आपको सही आंसर सही चीज मिल जाएगी। बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए, जो होगा सही होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो इसी तर्ज पे इस वीडियो करते हैं एंड आई होप मैंने आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए थोड़ी सी मदद कर दी है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, उनकी रिस्पेक्ट करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।